लखनऊ में DRDO का अस्थायी कोविड अस्पताल शुरू, CM योगी आदित्यनाथ ने किया लोकार्पण। वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करेगा UP, CM योगी बोले वैश्विक संस्थाओं से भी संपर्क करें। UP में 10 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, अब 4 दिन और रहेगा कोरोना कर्फ्यू। बंगाल में हो रही हिंसा के खिलाफ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह धरने पर बैठे। चुनाव हारने से बौखलाए पूर्व प्रधान के समर्थकों ने एक को उतारा मौत के घाट, 7 घायल। कोरोना संक्रमित से अपर पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार का निधन, पुलिस विभाग में शोक की लहर। लखनऊ के कमांड सेंटर में भर्ती के लिए RT-PCR रिपोर्ट जरूरी नहीं, कोविड लक्षण के आधार पर होगी भर्ती। हरदोई जिले के संडीला ब्लॉक अंतर्गत जीते हुए प्रत्याशियों को नहीं मिला प्रमाण पत्र। सब लोग आज सारा दिन हो गया, जब शाम हो जाए तो कहां जा रहे हैं तब तो आप सभी लोग प्रत्याशी हैं? सब लोग BDC के प्रत्याशी हैं। अभी तक सर्टिफिकेट नहीं मिला आप लोगों को? कुछ टाइम तो बताया होगा, आपकी काउंटिंग कब हुई थी? हमारे तो हुई थी कल हुई थी। आप यहाँ कितने बजे से बैठे हैं? हम बैठे हैं 10 बजे से। 10 बजे से अभी तक आप लोगों को सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है? हरदोई जिले की तहसील संडीला ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत गोशवा डोंगा में जीते हुए प्रत्याशी और हारे हुए प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़े। अभी सर मैं 12 मोहल्ले में अकेले रहते हैं, अगर सब मालूम होता है खाना खाते हैं मैं होता अकेले है, डरते हैं जाने को घर पे, अभी कोई मारेगा मेरे को पीटेगा तो सर मैं मौके पे चला जाऊंगा, हमसे झगड़ा नहीं है, हमसे कोई झगड़ा नहीं सर। नहीं खैर मेरा इतना उम्र हो गया सर, आज तक मेरा थाने में नाम नहीं लिखा होगा, मैं गलत काम नहीं करता हूं, परदेश से 5 भाई हैं, अभी मैं इलेक्शन तक आ गए नहीं तो हमारे सारे भाई बाहरी हैं। कोरोना के घेराबंदी के लिए आज से यूपी के गांव में विशेष अभियान, 10 लाख एंटीजन जांच का लक्ष्य। हर खबर पर होगी आपकी पकड़, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।